लास्ट ईयर मेरे पास ही थे आप करें जैसे टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटे, लाइट की रिफ्रैक्शन का क्या मीनिंग है, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन होती क्या है, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है, और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम इन रिलेशन टू द ऑप्टिकल डेंसिटी और म्यू इन नटशेल एज सच बेटा। सो आइए बेटा वन बाय वन बात करके देखें। सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्शन चीज क्या है। आपका एक लाइट का रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाता है। लाइट की स्पीड आप लोग जानते हो कितनी होती है एयर में, इट इज 3.7 × −8। −8 तो कम हो जाएगी भाई। ये लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में 3.0 × 10⁻¹ या आप सिंपली 3 × 10⁸ m/s भी कह सकते हो। ये हमारा बिगनिंग में हमने बात किया था। अब आपका लाइट एक मीडियम से अगर दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर जाए, अब ये कैसे एंटर करेगा भाई? आप क्या करोगे, आप एक मान लीजिए ये ट्रांसपेरेंट क्लियर वाटर का कंटेनर रखे हुए हैं। ये नीचे वाला पार्ट वाटर को इंडिकेट कर रहा है एंड ऊपर वाले पार्ट में ये एयर है। दिस इज वाटर एंड एयर तो चलो हमें दिखती नहीं है वैसे भी, राइट। एक रे ऑफ लाइट आपका इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है। जब ये इस पॉइंट पे आप स्ट्राइक करेगा, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में कहा था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल वैसे ही ये आपका बेटे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। आप सरफेस को एक्स वाई सरफेस कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप नॉर्मल ड्रॉ किया करते हैं। आपने कर दिया एक बार फिर से नॉर्मल ड्रॉ, लेट इट बी द नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है, इसको क्या कहा करते थे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रे क्या कहलाता है, इंसिडेंट रे। बहुत बढ़िया। अब आपका रे एयर से पानी में एंटर कर रहा है। जब मीडियम बदलेगा, मीडियम बदल गया ना बेटा, तो अपना पाथ भी रे ऑफ लाइट बदल लेगा। तो ये आपका जो रे ऑफ लाइट था थोड़ा सा बेंड कर जाता है नॉर्मल की तरफ। याद रखिएगा जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में आएगा तब। अब बात वही की वही है, हमें क्या पता रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर क्या होता है, पता है आपको? बताओ फिर, पता है तो। यस कितने अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। फिर से सुन लीजिए बेटा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यू आर गुड नेम बेटा। हाँ, हर्षदीप, प्लीज लिसन ऑल ऑफ यू बेटा। देखिए ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में फर्क हमें कैसे पता चलेगा? जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो आपका रेयरर मीडियम होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी मीडियम की। और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है वो मीडियम आपका डेंसर है, उसमें उस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी। ये बात आपकी नोट करने वाली है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बेटा ज्यादा है वो आपका ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। ऐसे मैं लिख देता हूं, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन
एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा भी इसका ठीक है, अगर स्पीड कम है तो मीडियम डेंसर हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए, हम बात कर रहे थे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, एयर से पानी में एंटर किया, शायद आपको मैंने पहले स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड ग्लास कहीं लिखवाई हो, पहले पीरियड में बिल्कुल आई थिंक लिखवाई होगी। ये तो चलो एयर में है, पानी में आपकी स्पीड 2.2, आपकी नहीं लाइट की स्पीड 2.25 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकंड इन वाटर, और बच्चों ग्लास में कितनी है यार। बहुत बढ़िया, आपने चीजें याद रखी हुई हैं, 2 × 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब बच्चों यही हुआ, ये मीडियम सबसे डेंसर के रेयरर, रेयरर ये उससे डेंसर, और ये तीनों में से सबसे ज्यादा डेंसर। यस बेटा, समझ आ गई? तो बेटा याद रखिए हमेशा, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लीस्ट है वो आपका मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है, जिस मीडियम में सॉरी वो डेंसर है, उल्टा बोल गया मैं, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लीस्ट है सबसे कम है वो मीडियम आपका ऑप्टिकली डेंसर है, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आपकी सबसे ज्यादा है वो ऑप्टिकली रेयरर है, राइट बेटा। तो ये कंसेप्ट को माइंड में रखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फोकस करिए, आपका इंसिडेंट रे आ रहा है आपने नॉर्मल बना लिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी आपने बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपने बना लिया, अब आपका रे रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है, पानी में आते ही इसकी स्पीड को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, ये थोड़ा स्लो हो जाएगी, और इस स्पीड की वेरिएशन की वजह से ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है रे, ये रे आपकी जो है ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आई, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स अ नॉर्मल, याद रखिए। मैं लिख भी देता हूँ सेपरेटली बच्चों, आपका अगर ये हो गया था ना बेटा, ये अगर आपका रे ऑफ लाइट बेटे रेयरर टू डेंसर, आइए देखें, अगर आपका रे ऑफ लाइट बेटा रेयरर टू डेंसर मीडियम में आएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उल्टा भी इसका बिल्कुल ठीक है, अगर ये डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, वे मेल्ट कर जाएगा, वेरी नाइस। तो आइए एक बार देख लें, करके देख लेना चाहिए, ये आपका बाउंड्री अगेन, राइट, ये बाउंड्री को एक्स वाई बोल दें, इधर मान लो आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ग्लास का ब्लॉक रखा हुआ है आपने, इसके अंदर आपने एक एलईडी लाइट लगाई हुई है, लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं, और ये आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ गया जी, ये पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रे को क्या बोले, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ये रे को क्या बोलेंगे, ये लाइन को नॉर्मल, ये एंगल कौन सा बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपका जो रे है ये बेटे देखो ग्लास से एयर में एंटर कर रहा है, इसको हमने ग्लास बोला था, एंड लेट इट बी बेटे यू एयर, ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो वी एक्सपेक्टेड टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे का मतलब है ये देखिए ये अवे चला गया जी, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन बोलो, यस आर आ गया, इस केस में एंगल आर आपका आई से बड़ा है, इस केस में एंगल आर आपका एंगल आई से छोटा था, ये चीज अपने माइंड में रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा। सो बेटे रिफ्रैक्शन जो है लाइट का
इसको अगर डिफाइन करना हो, वी कैन से दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस बेंडिंग और द चेंज इन द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू द अदर मीडियम। हमें पता भी तो हो ना कि रिफ्रैक्शन कहते किसको है, आगे तो बातें सारे कर ही लेते हैं। हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है चेंज इन द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू एन अदर मीडियम। लिख लें डेफिनेशन, चलिए लिखिए फिर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम। अच्छा डियर चिल्ड्रन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कोई बच्चा बता सकता है बेटा इसका? हाँ जी, चेंज ऑफ मीडियम, ठीक हो गई बात। और इसको अगर सोचें थोड़ा सा तो हम क्या कह सकते हैं मोर साइंटिफिकली, वो भी ठीक है। और आगे चलें अगर थोड़ा सा, यस दिस इज द की पॉइंट। डिफरेंट डिफरेंट मीडिया जो है, मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, राइट बेटा? अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का अलग अलग हो जाना ही रिफ्रैक्शन का कॉज है। अगर स्पीड ऑफ लाइट ना बदलती मीडियम बदलने पे तो रिफ्रैक्शन नहीं होनी थी फिर बेटा, बिकॉज आपकी लाइट ने सेम टाइम में अकॉर्डिंगली डिस्टेंस कवर कर लेना था बेटा। तो कॉज में आप लिख सकते हो बेटा कि जो रिफ्रैक्शन है इट इज ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडिया बेटा, राइट बेटा? चलें जी आगे। अब देन बेटे, अरे बेटे ये क्या पूछ लिया आपने भाई, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑल टुगेदर डिफरेंट चीजें हैं। रिफ्लेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस उसी प्लेन में उसी मीडियम में आ जाती है, इसमें तो वो आगे चली गई है, वापस आई नहीं है, है ना बेटा? अगर ये मिरर होता तो ये लाइट ने वापस आ जाना था उसी प्लेन में उसी मीडियम में, वापस आ जाना था। अब वापस नहीं आ रही है, ये आगे जा रही है। दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट? एक छोटी सी बेटे मैं बात करने वाला था, एक टर्म है आपके मीडियम के साथ रिलेटेड, दैट इज बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने पहले आई थिंक सुना जरूर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, नहीं सुना पहले कभी आपने? नहीं सुना, बहुत अच्छा, फिर आप ध्यान से सुनिएगा। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल दैट क्या चीज है, आओ पहले इसको समझें फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे डिटेल। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटे। द टर्म रिलेटेड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके मीडियम की, मटेरियल मीडियम की प्रॉपर्टी है ये, पहले समझ लो फिर आपको मैं लिखने के लिए टाइम दे देता हूं, डोंट वरी बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा जैसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से लिखते हैं, फोकल लेंथ को किससे लिखते हैं, एफ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, बिल्कुल वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू ये लेटर से हम लिखते हैं। इसको एक मिनट गुड़िया एक मिनट, इसको बेटे एम ई यू म्यू बोलते हैं, ऐसे लिखते नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने और बताने के लिए है। म्यू ये सिंबल है म्यू का, आप ये सिंबल डालोगे और ऐसे लिखोगे नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि म्यू क्या चीज है, कैसे लिखते हैं, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस लेटर से डिनोट करते हैं, इस लेटर को म्यू कहते हैं,
अब बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चीज क्या है। आपका रे ऑफ लाइट एयर से पानी में एंटर कर गया या एयर से ग्लास में एंटर कर गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये जो रेशियो है ये आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा बेटा। फिर से ध्यान दीजिएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सुनिएगा पहले बाद में लिखवाऊंगा भी आपको, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द, अरे नहीं, मीडियम, जिस मीडियम की आप बात कर रहे हैं। आइए मैं लिखता हूं बाद में, आप अभी नहीं लिखे, पहले सुनिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, म्यू ग्लास आप यहां पे डाल सकते हो, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन, अरे वाटर नहीं याद आ रहा, ग्लास, राइट। ये आ गया 3×10⁸, ग्लास में कितनी थी, अरे नहीं 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 नहीं, इट इज 2, not 2.25, 10⁸, ये कट गया सारा, 1.5 आ गया, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक। ये देखिए ये और ये, दिस इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सुनिएगा और ध्यान से। दूसरा मीडियम आपका कौन सा था, एयर था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1.5। और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का निकालना पड़ जाए तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख सकते हो, इट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन, ये आ गया 3×10⁸, ये 2.2×10⁸ यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, तो म्यू के नहीं होते, म्यू के तो कट जाएंगे ना, म्यू तो यूनिट कट जाएंगे बेटा। जब आप सुनो, उत्तर सुनो, यहां मैं मीटर पर सेकेंड लिख दूं, यहां पे भी लिख दूं, ये कट नहीं गया, जो म्यू है आपका बेटा, इट हैज गॉट नो यूनिट्स, ये यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, राइट। आपको एमसीक्यू आता है पेपर में, वो कहते हैं कि म्यू के यूनिट्स कौन से होंगे, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर, किलोग्राम, ऐसे ऑप्शन दे देंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, नो यूनिट्स एट ऑल, राइट, बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा ये निकालोगे अब आप रेशो, निकालिए जल्दी से, बी क्विक देन ऑल ऑफ यू, पावर तो आपकी कट गई सिद्धि, बाकी क्या बचा, 3/2 पॉइंट कितना बनाइए, बिल्कुल ठीक, 4/3 कितना होता है, बोल दीजिए फटाफट बोल, 1.3333 आ ही जाएगा है ना, 1.33 रहने देते हैं, है ना बेटा। तो मुझे आइए जरा क्रॉस चेक करें अपने रिजल्ट्स को, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, पानी में स्पीड इतनी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, ग्लास में स्पीड इतनी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, स्पीड क्या हो गई इसके कंपैरेटिवली कम है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड पानी में ज्यादा है, ठीक है।
और बच्चों याद रखिए, एयर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ही लेते हैं और वैक्यूम का भी 1 लेते हैं। अब आप पूछोगे जी एयर तो एयर है, वैक्यूम तो वैक्यूम है, 1 थोड़ी हो सकता है। असल में वैक्यूम का कंप्लीटली 1 होता है, एयर का 1.003 वो फिर छोड़ ही देते हैं, 0 ही कह देते हैं इसको, क्योंकि थर्ड प्लेस पे जाके आता है। सो एयर का और वैक्यूम का हम रफली 1 ही ले लेते हैं बेटा। और पानी का और ग्लास का इन वैल्यूज को थोड़ा अपने माइंड में रखिएगा और इनको कंपेयर करना सीखिए, इनको क्रिटिकली एनालाइज करना सीखिए कि अगर आपको कोई डाटा दिया गया है तो आप उस डाटा को कैसे यूज करके अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हो, राइट? सो बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, हमने अपने पॉइंट्स क्रॉस चेक भी कर लिए और आपने वेरीफाई भी कर लिया सारा। अब आ जाइए थोड़ा सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। आइए इसके बारे में बात करके देखें। कोई बात पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो बेटा? अच्छा इधर आ जाओ, नहीं दिख रहा तो कहीं आ जाओ, ये स्टूल पे आ जाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सीट खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं दिख रहा तो आ जाइए, फिर क्या हुआ, बैठना ही है, अपनी क्लास है, अपने बच्चे हैं, अपने स्कूल अपना ही है, कोई बात नहीं, आ जाइए। अगर नहीं क्लियर पुत्र दिख रहा तो इस साइड पे आ जाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें कोई शर्म वाली बात थोड़ी है। इधर से आओ, ये इधर रख दो, इसको इसके ऊपर रख दो ना। आओ पुत्र आगे बात करके देखें, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू जो है ये कितनी टाइप का है। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटे आप म्यू से डिनोट किया करते हो। आपका 2 टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पहला है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बच्चों दूसरा आपके पास है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई फर्क आपको पता है इनके बीच में कि नहीं? नहीं पता, क्योंकि हमने किया ही नहीं अभी, तो पता कैसे होगा, है ना? फिर भी सुनिए ध्यान से, जब आप बेटे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हो, मतलब दोनों में से दो मीडियम हैं आपके, दो मीडिया कह लो, प्लूरल यूज कर लो आप, उनमें से अगर एक एयर है तो आपका एब्सोल्यूट ही होगा। अगर आप कहोगे नहीं जी मैंने तो पानी का और ग्लास का एक दूसरे के साथ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, तब वो एब्सोल्यूट नहीं रहेगा। या आपके पास एक डायमंड है मान लो, ठीक है, एक ग्लास है, दोनों में फर्क है। आप डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना चाहते हो, दैट विल नॉट बी एब्सोल्यूट नाउ। आई मीन टू से दैट दो मीडिया जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, अगर उनमें से एक एयर है तो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा, और अगर कोई भी एयर नहीं है देन इट विल बी ऑलवेज रिलेटिव। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं कह दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इट इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको बात समझ आ गई है? आइए और आगे चलते हैं इस डायरेक्शन में। अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें विद रिस्पेक्ट टू एयर, अभी अभी हमने बात की थी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड इन ग्लास आ जाएगा, समझ लीजिएगा जरा बेटे, पहले लिखने को टाइम दे देंगे आपको, लिखना ही है, बहुत लिखना है अभी आपने। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमारा क्या लिखा था हमने दूसरा, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, ये लिखा था उत्तर,
ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लिख सकती हो। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं बोलता कैसी हूँ और लिखता कैसी हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, फिर समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला मैंने, पहले ही लिखा नीचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा नीचे, बोला पहले मैंने, राइट। विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला बाद में, मैंने यहां ऊपर लिखा हुआ है, राइट। फर्क समझ गए ना आप? फिर से एक बार देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिया, लिखा उल्टे पीछे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कई ऑथर्स कई बुक्स इसको यहां भी लिखती हैं, तो घबराना नहीं है आपने, डरना नहीं है, एक ही बात है, राइट। वैसे स्टैंडर्ड डिनोशन यही है, स्टैंडर्ड वे में ऐसे ही डिनोट करते हैं। अब जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये वाले पॉइंट पे, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने बात की है, ये बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू एयर है, हमारा ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया पुत्र, एयर लिख सकता हूं ना मैं, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा वाटर का हो गया, ये भी एयर के साथ है, इसमें भी लिख सकता हूँ, ये भी एब्सोल्यूट है। इसका मीनिंग बेटे ये हुआ, आपने दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की रेशियो ले ली, उसने आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। इन दिस वे यू विल बी गोइंग फॉरवर्ड। अब जरा इसकी वैल्यू पुट करके देखें, देखना चाहिए ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कह रहे हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट पुत्र, ग्लास और एयर में ये स्पीड आप ऐसे लिख लोगे है ना, ये एयर और पानी में स्पीड लिख लें। अब हम क्रॉस चेक करेंगे कि यह हमारा ये 1.5 इस टू 1.3 आता भी है कि हम ऐसे ही कहीं जा रहे हैं। ये सी अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, ऐसा है ना बेटा, और ये वेलोसिटी इन वाटर अपॉन सी कर दें, ये सी खत्म हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर के लिए पानी में 2.25 10^8 डिवाइडेड बाई 2 × 10^8, ये आपके पास 2.25/2 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना भी आएगा, इट विल बी समथिंग लाइक 1.12/5 आ जाएगा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू क्या, पानी, राइट बेटा। आप अदरवाइज भी निकाल सकते हो, अदरवाइज क्या था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था हमारा, पानी का कितना था, जरा चेक करिए ये आता भी है कि नहीं आता, करके देख लो बेटे, करने में क्या हर्ज है, एक छोटी सी कैलकुलेशन ही है। अब पहले होती है तो पता ही चला आज कुछ। प्लीज क्रॉस चेक, हमारा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है पक्का, कितना आ रहा है, 1। अगली वाले डिजिट भी बताओ ना, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, देख लो बेटे एक बार देख लो, कोई बात नहीं। तीन पे होती है वैल्यू, यस बेटा, डियर ऑल, 5 आता है कि नहीं आता, नहीं आता, 2 नहीं आया, कितना आया, आ जाना चाहिए बेटे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ना आए, 1.1 के बाद कुछ भी नहीं आ रहा, कबूल, भाई आ रहा है, एक मिनट गुड़िया, एक मिनट भाई,
आप तो भागने लग गया भाई। ही आ रहा है। तो चलिए हम फर्स्ट विजिट तक ले लेते हैं, लेट द अदर बी लेफ्ट एज सच। वो आपके ये दोनों मैच कर रहे हैं बेटा, अकॉर्डिंगली हम कह देते हैं कि हमारा रिजल्ट बेटे क्रॉस चेक हो जाता है। थैंक यू ऑल बेटा, वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स अहेड नेक्स्ट टाइम बेटा।